नमस्ते बच्चों, मैं स्माइल सी विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज है एक्टिविटी का दिन, इसलिए आज हम आपको लालटेन बना सिखाएंगे। लालटेन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे हम आपको आज। लालटेन बनाने के लिए हमको चाहिए दो अलग अलग रंग की शीट, A4 साइज की पेंसिल, स्केल, कैची और फेविकोल। सबसे पहले हम एक कलर की शीट लेंगे, फिर उसको हम बराबर दो भागों में मोड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है वहाँ से हम 1.5 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, बराबर हम लाइन खींचते जाएंगे। यहाँ पर सब जगह हम 1.5 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे और जो खुला हुआ हिस्सा है वहाँ पर हम ऊपर 2 सेंटीमीटर की लंबाई में जगह छोड़ देंगे और बाकी हिस्से में हम यहाँ 1.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाइनें खींच ली हैं, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का गैप दे रखा है और बाकी यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर की हमने लाइनें खींच ली। फिर हम क्या करेंगे, हम कैची लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरी लाइन काटेंगे नहीं, सिर्फ हमने जो 2 सेंटीमीटर लाइन खींची है वहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन हम कट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाने देखा हो बच्चों, मैंने ये काट लिया है, वही हमने जो 1.5 सेंटीमीटर की लाइन बताई थी वो काटी और 2 सेंटीमीटर के यहाँ हमने अंतराल दे दिया है। उसके बाद हम लास्ट वाली लाइन को पूरा काट लेंगे। ये हमने काट लिया है, उसके बाद हम दूसरा पेपर लेंगे, दूसरे पेपर पे हम स्केल की मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। पूरा एक साइड हमने लंबाई में 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची है। उसके बाद हम कटिंग किए हुए पेपर, जो हमने आप पहले पेपर कटिंग की है, उसको हम इस पर चिपकाएंगे। तो हम कैसे चिपकाएंगे, इसमें हम एक साइड फेविकोल, हम जो हमारा दूसरा पेपर लिया है उस पर हम एक साइड फेविकोल लगाएंगे, नीचे की साइड जहाँ लाइन खींची वहाँ ना लगा के दूसरी साइड हम फेविकोल लगाएंगे। हम इसके एक हिस्से को इस पर चिपकाएंगे और कोने पे ले जाकर बिल्कुल यहाँ हम इस पर चिपकाएंगे। ये हमने इस पर चिपका दिया। इसी प्रकार हम इसके दूसरे हिस्से को, जो हमने लाइन खींची थी 3 सेंटीमीटर की, उसके नीचे हम फेविकोल लगाएंगे और इस पर चिपकाएंगे। देखो बच्चों, जैसे मैंने ये इसको चिपका लिया, सूख गया अब ये, और ये हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची जो हिस्सा छोड़ा था, अब इसको हम काट लेंगे। बच्चों, जो हमने 3 सेंटीमीटर का हिस्सा काटा है उसको हम बराबर भागों में मोड़कर और फिर काट लेंगे। जैसा कि हमने वो हिस्सा दो बराबर भागों में बांट लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक हिस्से को पकड़कर और जो हमने ऊपर वाला हिस्सा, जो खुलने वाला है, जो कटिंग वाला हिस्सा है, उसके ऊपर यहाँ पर हम इसको दोनों को रखकर चिपका लेंगे। जैसा कि हमने दोनों ऊपर नीचे जो हमने शीट काटी थी वो चिपका दी है और जो इससे एक्स्ट्रा शीट निकल रही थी वो हमने काट दी है। उसके बाद हम इसको, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, फेविकोल लगा के चिपका लेंगे। बच्चों देखो, जैसे हमने यहाँ पे इसको चिपका लिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। अब उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने पहले स्टार्टिंग में झालरों का जो टुकड़ा काटा था उसके दोनों हिस्से पर फेविकोल लगाएंगे, लालटेन के अंदर इसको चिपका देंगे और थोड़े सूखने के बाद ही हमारी लालटेन तैयार होती है। देखो बच्चों, कितनी सुंदर लग रही है लालटेन। जैसा कि बच्चों देखो, ये आपके सामने लालटेन सूख के तैयार हो गई है, बिल्कुल इतनी प्यारी लग रही है। देखो बच्चे, ये लालटेन कितनी प्यारी है,
तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज सिखाया है लालटेन बनाना, वो आप मुझे बनाकर इसकी फ़ोटो खींच कर भेजोगे।